और वेलकम बैक विद एन लॉग। कैसे आप सभी, होप यू आर डूइंग गुड। एंड सबसे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। एंड हम लोग सभी लोग हो चुके हैं रेडी, धीरे धीरे करके सबका लुक दिखाते हैं एंड घर का भी सामने का दिखाते हैं, बिकॉज इतना प्यारा डेकोर हो रखा है ना, घर नीचे से दिखाएंगे सच में बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाला है। एंड चलते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। एंड आप आज ढेर सारी मस्ती करने वाले हैं, सब कुछ नीचे दिखाएंगे, नीचे का लुक आपको सच में बहुत पसंद आने वाला है। चलते हैं नीचे। पूजा पाठ वगैरह तो हो चुकी है और अभी हम लोग आ गए हैं नीचे। अब पूरा इधर होगा डेकोर वगैरह। हमने सोचा पहले टाइम से पूजन पाठ वगैरह हो जाए, देन उसके बाद करते हैं। वाओ, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। एंड गाइस, इधर का लुक देखिए, ओह माय गॉड, कितना प्यारा लग रहा है ना। इधर भी हमारे हॉल की वाइब अलग लग रही होगी। हाँ, बाकी दिन से थोड़ा डिफरेंट। और अभी हम लोग मतलब प्रॉपर तो ज्यादा शूट भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतना ज्यादा बिजी थे कुछ आप लोगों के लिए करने के लिए भी, और थोड़ा हम लोगों का यही सब तैयारियां चल रही थी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। ये है आज हमारे घर की वाइब। कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना, एंड गेट वगैरह सब कुछ इतना अच्छा डेकोर है, पूरी जगह दीदी बना रहे हैं। इधर हमारी रंगोली बनी हुई है, यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे फूलों की रंगोली। एंड इधर पूरी साइड साइड में बॉर्डर इस तरीके से बना, बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। मतलब ये त्योहार ना बेस्ट होता है सच में, मतलब सबसे ज्यादा त्योहार होता है जिसमें घर भी बहुत अच्छा सस्ता है और हम भी बहुत अच्छे सस्ते हैं और अंदर भी आ सकते हैं आप लोग।
अंदर आप लोग देख लीजिए, यहाँ तो आपको खैर दूसरे सिनेमैटिक में दिखी जाएगा, बट लग बहुत अच्छा है, यहाँ की भी वाइब बहुत प्यारी लग रही है ना। और इधर मम्मी और जया बैठे हुए हैं माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और आप यूं ही हमारे साथ कनेक्टेड रहें। एंड इधर की वाइब, ओह माय गॉड, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है ना, इधर भी बहुत ही ज्यादा सुंदर सा कुछ इस तरीके से डेकोर करके रखा है हमने, थोड़ा आज डिफरेंट दिखना चाहिए। इधर हमारा डिनर वगैरह टेबल वगैरह सब कुछ तैयार है, बस और बैठना बाकी और रात के 12:30 हो रहे हैं, हम लोगों का एंजॉयमेंट ही नहीं खत्म हो रहा। हम लोग वैसे भी लेट शुरू करते हैं और देर तक सेलिब्रेट करते हैं, तो ये है दिवाली। तो कैसा लग रहा है आपको सब कुछ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मेरी तरफ से भी वंस अगेन हैप्पी दिवाली गाइस। चलिए पटाखे फोड़ते हैं हम। मम्मी बोली कि बस फोटो वीडियो चलता रहेगा, पटाखे वटाखे कब जलाओगे, तो मम्मी अपने छुरछुरी जलाकर ले आई हैं और इनकी शुरुआत भी हो गई। हम लोग को तो यही पे आनंद आ रहा है, हम लोग यहाँ से बैठ के बस ये सब नजारा देख रहे हैं। सच में गाइस, ये हमारे वेरी स्पेशल, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ के बस नजारे ले रहे हैं। सच में वाइब और इतना अच्छा है, मतलब हमें यहाँ पे बैठने के लिए इतनी लाइट मिल रही है, सब चीजें है ना। ये देखिए ना लाइट, ये हमारे लिए स्पेशल, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। स्पेशल लैंप है ये, लिटरली सच में बहुत अच्छा लग रहा। रात के 1 बज रहे हैं, बाकी सबका हाल देखे, और अभी हमारा ऐसा लग रहा है इससे अभी शुरुआत ही हुई और बाकी शुरुआत हुई है अभी। पूरे अनार जला जला कर रोड हमने काली कर दी है, बाकी के लोगों ने फेंक दिए हैं और इधर पड़े हैं। सब लोग अच्छे से हैंड वॉश करेंगे और फोन यूज करने से पहले फोन को भी वॉश मतलब साफ कर लेना, ठीक है।
चले। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 11 में और लेके आएंगे अपन, जलाएंगे तुलसी जी की शादी के बाद जलाएंगे। हाँ। और फिर हम लोग मुर्गा बम लाएंगे, उसको चेस्टी फोड़ेगी। हाँ, ये सुतली बम फोड़ेगी, सुतली बम स्काई शॉट भी फोड़ेगी। हाँ, स्काई शॉट लाएंगे। तुम क्या पूछोगे? तुम क्या फोड़ोगी? क्या पहनोगी? जय हिंद। जाके क्या फोड़ोगी, इससे क्या पहनोगी? आ गया। सो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। एंड आप देखिए, यहाँ पे आज पनीर की सब्जी बनी है। और देखने में यही घर में जो हमने अपना पूरा यहाँ पे सेटअप किया है, ये यहाँ पे हमने हमेशा के लिए कर दिया, ऐसे ही रह गई है ना। परमानेंट सेटअप। और अच्छा करना है, यहाँ पे हमें कैंडल वगैरह लगानी है बहुत सुंदर सी। हाँ, तो सबसे पहली बात ये है कि सब्जी इतनी टेस्टी दिख रही है जया, कि मतलब मुंह बोलते बोलते भी पानी आ रहा सच में। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे पनीर अंगारा बनाया है जया ने, और पनीर अंगारा के साथ साथ अच्छा यहाँ पे जयश्री का भी है अलग से सब्जी। और यहाँ पे खीर, ये भोग लगी वाली खीर है, लेकिन खीर जया ने बहुत ही मस्त बनाई है, मस्त ड्राई फ्रूट केसर वेसर डाल के, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यम्मी है। और इधर प्रसाद वगैरह रखे हुए हैं। मजा आ गया ना यार, लेकिन आज सच में मजा आ गया। गाइस टाइम मतलब देखिए इनके पीछे, आप हमने रात के 2 बजा दिए आज। मार कोई जो होता है वो 2-3 बजे से पहले कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि टाइम से करते हैं, जब लोगों को खत्म हो जाता है तब तो हम लोग मैदान में आते हैं, तो शुरू तब हमारी स्टार्टिंग होती है। जयश्री ने चेंज कर लिया लिटरली। गाइस आप देखिए इसको कितना जल्दी वह चेंज करने के लिए, फेस वॉश भी करके आ गई। लेकिन सच में तुम अभी भी सुंदर लग रही हो यार। बट एक चीज है, अगर कोई भी फेस्टिवल है उसको आप अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है, क्योंकि हम सभी लोग आज दिन भर से लगे थे, और इसलिए मॉर्निंग का शूट हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे काम थे, घर का भी देखना था, बाहर का भी देखना था, सारा कुछ था, तो वो सब मैनेज कर रहे हैं टाइम से। और टाइमली फिर हमने हमारी पूजा पाठ करके फ्री हो गए। फिलहाल अब लग गई बहुत जोर से भूख, इसलिए इस ब्लॉग को रखते हैं बस यहीं तक। जल्दी मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग लेकर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, एंड खूब सारा शेयर कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।